तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिंग्यून और ली दोनों ही वेंगनिंग और उसके साथियों से बचते हुए एक बहुत ही खतरनाक जंगल के अंदर आ चुके थे। इस जंगल की खास बात ये थी कि ये माइंड के साथ गेम खेलना जानता है। इन दोनों के यहाँ पर आते ही जंगल ने दोनों को ही अपने अपने माइंड गेम में फंसा लिया है। ये साथ ही यहाँ पर हॉर्सी पर भी उस मैजिक का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब किसी तरह से वो जादू से जंगल से निकल आए थे, लेकिन फिर उन्हें कोई उनकी तरफ आते हुए दिखता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग ही पिछले पार्ट के आगे से होती है। हम देखते हैं कि वे वो मास्टर बाउस नदी के किनारे पर आने लगे थे। यह लिंग्यून कहता है कि स्ट्रॉन्ग मैन, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा हमें खुशी हुई। मैं लिंग्यून हूँ और ये मेरा दोस्त ली है। अब ये बात सुनकर ली लिंग्यून से पूछ रहा था कि तुम्हें ने स्ट्रॉन्ग मैन क्यों कहा, ये तो मुझे कहीं से भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगते। लेकिन अब लिंग्यून से कहने लगता है कि चुप हो जाओ, तुम थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, ये इस फॉरेस्ट के ऑनर है। और इसके बाद अब वो ओल्ड मैन वहाँ किनारे पर आते हैं और इन दोनों की तारीफ करने लगते हैं। वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाओगे। ये ब्रूटल स्वॉर्ड फॉरेस्ट है, इसलिए हमने जो टेक्निक थी इसे स्वॉर्ड फॉर्मेशन नाम से दिया है। अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं और इसी फॉर्मेशन के अंदर फंस कर रह जाते हैं, लेकिन तुम दोनों ने इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। सच में ये कमाल की बात है। अब वो मास्टर अपना नाम भी बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे 13 मास्टर कह सकते हो। इसके बाद वो बताने लगते हैं कि वो फॉर्मेशन एक साइकिक फॉर्मेशन होता है जो कि माइंड को कंट्रोल करते हुए माइंड में ऐसा सिग्नल भेजता है जिस वजह से आदमी जिस चीज से डरता है या फिर उसको जिस चीज की होने की उम्मीद रहती है वही चीज उसके दिमाग में चलने लगती है, भले ही वो अच्छी हो या फिर उसके लिए बुरी। वैसे ओल्ड मैन ली से कह रहे थे कि मैंने सुन लिया है कि तुमने तब तक क्या कहा था। अब ली इस बात पर थोड़ा शॉक था। वो कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मुझको आपकी पावर नहीं पता थी इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, और मैं अक्सर लोगों को कुछ भी कह देता हूँ फिर बाद में मुझे बुरा लगता है। लेकिन अब ओल्ड मैन उस पर आदमी अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्रीज कर देते हैं। लिंग्यून कहता है कि लगता है आपने इसको फिर से अब उस तरह टेक्निक में फंसा दिया है। अब ओल्ड मैन यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम से रहते हुए आ रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ के टेक्निक्स का किस तरह से यूज करना है और किस तरह से उसे निकालना है वो अच्छी तरह से आता है। लिंग्यून कह रहा था कि इसे छोड़ दीजिए। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि हम बैठकर बातें कर सकते हैं और वैसे मेरे पास खाना है। अब लिंग्यून को वो अपना बास्केट देते हुए वो कहते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए। लिंग्यून कहता है कि इसे तो रिलीज कर दीजिए, क्या ये यहाँ पर ही अटका रहेगा। और फिर इसके बाद मास्टर से ठीक कर देते हैं। और इसके बाद लिंग्यून सब कुछ बताता है कि वो जंगल में कैसे आ गया। अब खाते वक्त वो ओल्ड मैन कह रहे थे कि सच में ये जो सेक्टर है धीरे धीरे और ज्यादा खराब होते जा रहा है। वैसे सब लोग खराब नहीं है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं ज्यादातर उनमें से सभी खराब ही हैं। वो लिंग्यून से कह रहे थे कि तुम पहले एक स्वॉर्ड स्लेव थे ना, इसका मतलब तुम्हारे लिए ताकत बहुत ज्यादा मायने रखती होगी। इस पर लिंग्यून कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ताकतवर बनना है क्योंकि इतनी ताकत से कुछ भी नहीं होगा, मैंने इतनी ताकत जमा कर ली लेकिन इसके बदले ना ही अभी तक मुझे रिस्पेक्ट मिल पाई है और ना ही मुझे बाकियों की तरह बराबर देखा जाता है। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि ठीक है तो फिर मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो लिंग्यून को वहाँ नदी के किनारे पर ले आते हैं। यहाँ पर आकर वो लिंग्यून से कह रहे थे कि आखिर तुमने भी ट्रेनिंग में मेहनत की कि नहीं। अब लिंग्यून कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं खुद को बहुत आगे तक ले गया क्योंकि मेरी पावर एकदम से ही बढ़ी है, पहले मैं इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा काम मुझे बाकी से छोटा महसूस कराता है तो उसके बाद मैंने मेहनत करना चालू कर दिया। अब ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कई बार सर्दियों के टाइम पर ये लेक जम जाती है, फिर यहाँ पर खाने की दिक्कत हो जाती है क्योंकि मेरा ज्यादातर खाना इस सोर्स का है और ये लेक ही है। और इसके बाद वो बताते हैं कि वो इस चीज से कैसे डील करते हैं। यहाँ वो एक तकनीक का यूज करते हुए अपने हाथ से किसी तरह के फायर को निकलते हुए अपने उस पानी के अंदर भेजते हैं, जिसके बाद पानी में बहुत बड़ा टोर्नेडो टाइप का क्रिएट हो जाता है। उसे टोर्नेडो नहीं कहा जा सकता मगर वो कुछ वैसा ही था। लिंग्यून इस चीज को देखकर शॉक था, वैसे उसे ये भी पता नहीं था कि मास्टर उसे ये क्यों बता रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि तुम इस चीज को सीख सकते हो, यहाँ पर एक अलग ही सेंस ऑफ ओरा फैला हुआ है जो कि हर किसी को उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को देखकर मिलता है। अगर तुम उसे कैपेबल होगे तो ही वो तुम्हें मिल जाएगा, इसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही तुम। अब ये बात सुनकर लिंग्यून शॉक था। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या मैं सच में इतना लकी हूँ। तो अब ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, और फिर ओल्ड मैन अपने सर पर लगा हुआ कपड़ा खोलते हैं। उनके सर पर भी सेम उसी तरह का निशान था जिस तरह का निशान लिंग्यून के सर पर है। लिंग्यून ये देखकर शॉक था। मास्टर बताते हैं कि मैं अभी पहले एक स्वॉर्ड स्लेव था, इसलिए लोगों के ताने और अपनी बेइज्जती मैंने भी बहुत सही है, और इसी सब के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने मेहनत की और खुद को स्ट्रांग बनाया, फिर मैंने सोचा कि उन फालतू लोगों के पास जाकर क्यों रहना। लिंग्यून ये चीज देखकर सच में बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। मास्टर कहते हैं कि अब तुम ट्रेनिंग करो क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें वहां से निकलना होगा। वैसे भी रात हो चुकी है और जहां तक मुझे पता है कि सुबह तक तुम लोगों को लौटना होगा।
अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ली भी आ जाता है, वो खाना लेकर आया था। वो लिंगनून से कहता है कि क्या तुम खाना नहीं खा रहे, ये सच में बहुत टेस्टी है। पर अभी भी लिंगनून कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि उसे अब जमकर ट्रेनिंग करनी थी। उसी वक्त सीन चेंज हो जाता है और अब हम आ चुके थे सीधा ही सेक्टर के अंदर, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। साथ ही सभी लोग बातें कर रहे थे, सच में वहाँ पर बहुत मजा आया। भले ही वो जगह बहुत खतरनाक थी पर इस तरह के एडवेंचर तो होते रहने चाहिए। पर अब वो मास्टर जो है वो भी थे वहाँ पे। वो ओल्ड मैन से आने की वहाँ के जो टावर मास्टर है उनसे कह रहे थे कि लिंगन ओली अभी तक यहाँ पे नहीं आए। वैसे ये चीज नोटिस करने वाली है कि उसके शब्द और उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। वो कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था लिंगन एक स्वॉर्ड स्लेव है जो कि इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता कि इस टेस्ट को पार कर सके। हमें बहुत दुख है कि वो दोनों यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हमने एक एवरेज स्टूडेंट को खो दिया। दूसरी ताकत तो नहीं पता इसलिए उसे तो एवरेज भी नहीं कहा जा सकता। अब बाकी सब तो कुछ नहीं कह रहे थे पर जिया को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही गुस्सा होते हुए आगे आती है और उसे मास्टर से कहने लगती है कि बेशक तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, पहले तुमने बस दो लोगों के लिए मिस्टर स्लम में इतने सारे गार्ड को भेजा उन्हें खत्म करने के लिए और अब यहाँ पर कह रहे हो कि वो दोनों वहाँ से वापस नहीं आ पाए। तुम जैसे लोग सच में दुनिया पर बोझ हो। अब यहाँ पर उस मास्टर को इस बात से गुस्सा आ रहा था लेकिन अब वो ओल्ड मैन यानी कि टावर के टेम्परेरी मास्टर कहने लगते हैं कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वैसे भी रूल यही है कि जो वहाँ से नहीं लौट कर आ पाएगा उसकी मदद हम नहीं कर सकते और वैसे भी वो तो ब्रूटल स्वॉर्ड फॉरेस्ट में गए हैं, वहाँ तो हम भी नहीं जा सकते। अब हम देखते हैं कि सामने जो पत्थर के ऊपर एक बोतल रखी थी उसके आसपास दो बैरियर बने हुए थे। यहाँ पर जो नेक्स्ट चैलेंज था कि सभी डेसिपल्स को आगे बढ़ते हुए वहाँ उस बोतल को उठाना था, तो अब जो पहले उसे उठा लेगा वो जीत जाएगा। अब सभी डेसिबल तुरंत वहां से आगे की ओर भागते हैं लेकिन कुछ तो बैरियर से टकराकर रुक जाते हैं और कुछ वापस में अपने लड़ने लगे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेंगनी और उसका साथी दोनों ही बहुत ज्यादा आसानी से बैरियर के अंदर चले जाते हैं, उस बोतल को उठाने लगते हैं। अभी वेंगनी ही उस बोतल को उठा रहा था लेकिन बोतल को टच करने से पहले उसका हाथ वहां से दूर फेंक जाता है। इसी दौरान वहां पर लिंगन और ली भी भागते हुए आ जाते हैं। उन्हीं ने वेंगनिंग का हाथ रोका था और उसके बाद वो दोनों उस पोर्टल में एंटर करते हैं। इन दोनों से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे और अब जैसे ही वहाँ पर वो टावर मास्टर आते हैं तो रुकने को कह रहे थे, तो इतनी देर में वो तो यहाँ तो लिंगन और ली ने अपनी अपनी तलवार वेंगनिंग और उसके साथी के सर पर लग दी थी। टावर मास्टर कह रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत गलत है। वैसे भीड़ वाले टावर मास्टर तो वेंगनिंग और उसके लोगों के साथ ही हैं। लेकिन यहाँ पर ली उस वेंगनिंग के दूसरे साथी से कहता है कि सच बताना वरना ये तलवार तुम्हें गले को चीरती हुई दूसरी तरफ चली जाएगी। अब वो डर गया था, वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो मैं सब बताता हूँ। दरअसल मास्टर मतलब कि वेंगनिंग ने ही मुझे उधर मिस्टीरियस रियलम में आने को कहा था और लिंगन पर हमला करने को कहा था। हमने मेरे को उस पर हमला किया और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक थे। और अब ली टावर मास्टर से कहता है कि क्या अब आप कुछ कहना चाहोगे। अब टावर मास्टर कहने लगता है कि उसे छोड़ दो उसे जाने दो, लेकिन अब लिंगन कहने लगता है कि तुम लोगों ने सच में बहुत गलत किया। मुझे पहले तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि चलो ठीक है हमारे साथ गलत हुआ, सेक्टर में बताने के बाद हमारा कुछ न्याय होगा, लेकिन आप तो और दो कदम आगे निकले। अब जब यहाँ का मास्टर ही ऐसा है तो सेक्टर के बाकी लोग तो कैसे होंगे। हम दोनों अब और यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। और इसके बाद लिंगन अपनी तलवार निकालते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और तुरंत अटैक करते हुए वेंगनिंग को अपनी तलवार मार देता है, जिस वजह से वेंगनिंग वहीं पर मारा जाता है। ये चीज देखकर वहाँ पर हर कोई शॉक था और साथ ही टावर मास्टर भी शॉक लग रहे थे क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिंगन ऐसा कुछ करेगा। और अब यहाँ पर वो दूसरा मास्टर जैसे सॉरी वो एल्डर है वो तो वो तुरंत ही लिंगन पर हमला करने कर उसे दूर गिरा देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने पहले अपने साथी डेसिपल पर हमला किया और अब तुमने वेंगनिंग को भी खत्म कर दिया, सच में तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक हर सजा तुम्हारे लिए छोटी होगी। अब हम देखते हैं कि वहाँ लिंगन पर हमला कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम्हें खत्म करके सेक्टर के रूल्स की इज्जत की जाएगी। मगर तभी वहाँ पर लुओ नाम के एक मास्टर आ जाते हैं। मास्टर को देखकर सभी लोग शॉक थे, साथ ही सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। और इसके बाद मास्टर अपने हाथ से एक सील दिखाते हुए कहते हैं कि बस वेंगनिंग ने गलती की थी जिसकी सजा उसे मिली है, उसने भी सेम इसी तरह से लिंगन पर हमला किया था लेकिन तब वो लिंगन को नहीं मार पाया और जब लिंगन ने हमला किया तो वेंगनिंग मारा गया, इसलिए इसमें किसी की भी गलती नहीं है। और जहां तक बात है वेंग फैमिली की तो मैं उनसे खुद जाकर माफी मांगूंगा। यहाँ पर लिंगन इस बात से शॉक था और साथ ही ली भी शॉक लग रही थी। और फिर वो मास्टर कहते हैं कि टावर मास्टर कहते हैं कि दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है, क्या आप इनको फिर भी मौका दोगे। तो यहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं कि बिल्कुल इन दोनों ने टेस्ट पार किया है और रूल तो यही कहते हैं कि जो टेस्ट पार कर लेगा उसे एंट्री मिलनी ही चाहिए। इसके बाद अब वो लिंगन और ली दोनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लिंगन और ली जब वहां से जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि फाइनली हमने ये कर दिखाया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि ये वही लड़का है जिसके पास वो ड्रैगन ब्लड वाला हॉर्स है। वैसे बस वो लिंगन को ही देख रही थी मगर हाँ देखने में तो नहीं लग रहा था कि वो भी लिंगन से दुश्मनी करेगी। पर अब हम वापस से यहाँ लिंगन और ली के पास आ जाते हैं, दोनों ही मजे से वहां से जा रहे थे।
अभी ली कह रहा था कि हमने कर दिखाया और आखिरकार हमने सेक्टर में एडमिशन ले ही लिया। अब वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था तो रिंगुन से पूछे तुम ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो। तो इस पर ली कहता है तुम ये सोचो हमने कितने दूर से यहाँ पर आए हैं और हमने कितना लंबा सफर तय किया। यहाँ पर आकर हमें कितनी दिक्कत भी हुई लेकिन फिर भी हमने कर दिखाया, हमारा काम यानी कि सेक्टर ज्वाइन करने का काम पूरा हो गया, तो ये कोई अचीवमेंट से कम तो नहीं है, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। इस पर लिंगन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी हमें बहुत आगे जाना है, अभी तो बस शुरुआत है। और उसके बाद ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है।